मैं मुन्नालाल गोयल 16 ग्वालियर विधानसभा से सदस्य हूं। मैंने अपनी स्वेच्छा से, अपने अंतर भावना के भाव से, अपनी विधानसभा की सदस्यता से अपना त्यागपत्र माननीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश विधानसभा को भेज दिया है। मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय से आग्रह है कि जिस तरीके से विधानसभा की हम शपथ लेते हैं, उसी तरीके से मैं बिना किसी दबाव में अपनी इच्छा से, अपनी अंतःप्रेरणा से त्यागपत्र दिया है, लिहाजा मेरा त्यागपत्र स्वीकार करें। मीडिया के माध्यम से मुझे विदित हुआ कि आपने हमको बुलाया है, मैं बाहर होने के कारण नहीं आ पा रहा, लेकिन जिस तरीके की परिस्थितियां बन गई हैं उससे हम लोगों में सुरक्षा का भाव उत्पन्न हो गया है। मुझे लगता है कि यदि बिना किसी सुरक्षा के आपने हमको वहां बुलाया तो निश्चित तौर पर वातावरण निर्मित होगा जिससे हमारी सुरक्षा को खतरा पैदा होता है। इसलिए हमारी आपसे मांग है कि हम आना चाहते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं, जो त्यागपत्र हमने दिया है उस संदर्भ में आप कोई चर्चा करना चाहते हैं तो उस चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन इस प्रकार का स्वच्छता का वातावरण हमको मुहैया कराया जाए जिससे हम निष्पक्ष भाव से और सुरक्षा के भाव से अपनी बात आपसे कह सकें। मैं आपसे मांग करता हूं कि आप केंद्रीय पुलिस बल की व्यवस्था करें जिससे जब हम लोग आएं तो अपनी बात निर्भीकता के साथ आपसे कर सकें। दूसरा, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरे पीछे कोई भी मेरा परिवार का या कोई रिश्तेदार कोई शिकायत करे मुन्नालाल गोयल गायब है, मुन्नालाल गोयल कहीं गायब नहीं है, मुन्नालाल गोयल जहां हैं सुरक्षित हैं और अपने ही भावना से गए हुए हैं घर से बाहर। मेरे पर कोई दबाव नहीं है, इसलिए कोई भी शिकायत मेरे पीछे कोई करता है तो उस शिकायत को शिकायतनामा माना जाए। तो मेरी आपसे निवेदन है कि हम लोग आना चाहते हैं त्यागपत्र के संदर्भ में, हमने त्यागपत्र दे दिया है, आपको इस संबंध में कोई भी चर्चा करनी है तो आप केंद्रीय पुलिस बल की व्यवस्था करें जिससे हम निर्भीक होकर अपने